हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे उन नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज के बारे में जो कि हिंदी में रिलीज हो चुकी है, और बात करेंगे उन टीवी सीरीज के बारे में जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ बात करेंगे अमेजोन प्राइम की टीवी और मूवीज के बारे में, ब्लूरे डिस्क के बारे में जो कि हमें फ्यूचर में हिंदी में देखने को मिलेंगी ऑफिशियली 5.1 ऑडियो क्वालिटी में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतार 2 के ऑफिशियली कौन सा पार्ट के बारे में। तो इनको देख के मेरे को पर्सनली यही लगता है कि जो हमें पहले पार्ट में VFX देखने को मिले थे कमाल के और बड़े बड़े सीन देखने को मिले थे, वही हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। इन कौन सा पार्ट से तो यही लगता है। देन इसी के साथ बात करते हैं एक और हॉलीवुड की काफी कमाल की मूवी जो कि फ्यूचर में देखने को मिलेगी, वो है G.I. Joe की टाइमलाइन यूनिवर्स की स्नेक आई। आप इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसके ऊपर एक ऑफिशियली मूवी बन रही है, और आपको बता दूं कि ये टोक्यो में स्टार्ट भी हो चुकी है। जी हाँ, ये उसका ऑफिशियली लोगो है जो कि लॉन्चिंग के दौरान लॉन्च करा गया था, तो काफी कमाल का लग रहा है। देन उसी के साथ फोर्जन एनिमेशन में वर्ल्ड वाइड में टॉप पर सबसे रही है कमाने के मामले में। जी हाँ, इसने 1 बिलियन कंप्लीट कर ली है और क्रॉस भी कर चुकी है। जी हाँ, नाइस आउट 2 कंफर्म हो चुकी है, डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि वो उसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। और देन उसी के साथ एक और खुशखबरी विल स्मिथ फैंस के लिए कि बैड बॉयज 4 भी कंफर्म हो चुकी है, डेवलपमेंट में है, और उनका नाम इस मूवी में दर्ज हो चुका है। जी हाँ, यानी कि अपकमिंग लिस्ट में। देन उसी के साथ एक और काफी कमाल का अपडेट है आप लोगों के लिए कि क्रिस्टोफर कंफर्म हो चुके हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8 में। ये वही एक्टर है जो कि मार्वल मूवी में बीस्ट का कैरेक्टर प्ले करते थे, तो बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है ये सुनकर। देन उसी के साथ एक और कैरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं, साइमन पेग, जो कि मिशन इम्पॉसिबल में मेन किरदार है, और ये भी दोनों पार्टों में कंफर्म हो चुके हैं, और इस सीरीज की ये लास्ट मूवी होगी मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए टॉम क्रूज फैंस के लिए कि एज ऑफ टुमारो का भी सेकंड पार्ट कंफर्म हो चुका है, और जो स्क्रीन बोर्ड डायरेक्टर है वो इसके ऊपर ऑफिशियली बर्वी कर रहे हैं। उन्होंने ये इमेज डाल के चीज कंफर्म करी, और स्टोरी को कैसे कंटिन्यूस करेंगे वो इस चीज में दिखा रहे हैं, तो काफी अच्छा है। देन डिज्नी की तरफ से एक अपडेट आया काफी कमाल का, नेशनल ट्रेजर 3 कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, डिज्नी ऑफिशियली उसको बनाएगा और इसके ऊपर काम भी करेगा, पर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी तक ये डिज्नी प्लस पे लॉन्च होगी या थिएटर में। देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो काफी सारे मैसेज आ रहे थे क्योंकि इसका सेकंड सीजन 17 जनवरी को लॉन्च होना था, पर हिंदी में लॉन्च नहीं हुआ, ना ही पहला पार्ट। तो राइट्स की कुछ प्रॉब्लम है, और जैसे ही ये राइट्स की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी और कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा तो मैं आपको 100% बता दूंगा। मैंने इसका पहला सीजन तो देख लिया इंग्लिश में, पर मुझे हिंदी में भी देखना है दोबारा से, तो जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसके बाद एक अपडेट है डेविड की तरफ से, तो नेटफ्लिक्स की ब्राइट मूवी उसका सेकंड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है और वो उसके ऊपर ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, पर अभी तक ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी इस मूवी को तो जाके देखिए, क्योंकि काफी कमाल की मूवी है और साइंस फिक्शन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर एक मूवी है टीवी सीरीज अक्टूबर फैक्शन, तो ये फाइनली 30 जनवरी को लॉन्च होगी, हिंदी में कंफर्म हो चुका है, तो इंतजार करिएगा। देन उसके बाद 30 जनवरी को लॉन्च होगी द स्ट्रेंजर, जो कि हिंदी में कंफर्म हो चुकी है, तो मैं तो यही कहूंगा आप लिस्ट बना लो जो आपको हिंदी में देखनी है नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज। उसके साथ अब आपके लिए काफी कमाल का अपडेट है, द ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक, फाइनली इसका सीजन 5 भी कंफर्म हो चुका है हिंदी में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, और ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल भी जाएगा। द हीलिंग पावर ऑफ द ड्यू, तो ये भी फाइनली हिंदी में कंफर्म हो चुका है, तो काफी कमाल का है, जाके देखो एक बार। देन उसी के साथ एक और काफी कमाल का अपडेट है आपका, द लॉक एंड द की, तो फाइनली 7 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज होगी हिंदी में, ये भी कंफर्म हो चुकी है। एक और अपडेट है काफी कमाल का नेटफ्लिक्स की तरफ से, साइबेरियन का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है और ये भी हिंदी में रिलीज होगा, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो ये सारी टीवी सीरीज। और उसी के साथ आपके लिए एक बड़ा सा अपडेट है लॉस्ट गर्ल का, जी हाँ, तो काफी ओरिजिन स्टोरी पे बनी है ये, और जाके एक बार देखना भाई, ये भी हिंदी में रिलीज होगी। देन उसके साथ AJ एंड द क्यून, तो ये भी 10 जनवरी को रिलीज हो चुकी है हिंदी में, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखो। उसके साथ एक और है काफी कमाल का अपडेट, द ट्रूप 0, तो Amazon ओरिजिन पर ये रिलीज होगी, और मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना जरूर, बहुत ही कमाल का, हिंदी में कंफर्म हो चुका है। उसके बाद लूसीफर सीजन 3 भी हिंदी में डब हो चुका है, अगर आपके पास अभी तक नई अपडेट आया कोई तो जाके देखो यार, काफी कमाल का सीजन है। देन सर्वाइवर ऑफिशियली अमेजोन प्राइम पर आ चुकी है हिंदी में, काफी कमाल की मूवी है, और काफी लोग कुछ कह रहे हैं कि ये पहले भी डब हो चुकी थी, पर मेरे पास अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ना ही मैंने देखी थी। देन ट्रेन स्टोन, ये भी हिंदी में आ चुकी है अमेजोन प्राइम पर, आप जाके देख सकते हो। देन उसी के साथ एक और अपडेट काफी कमाल का, वो है अनकट जेम्स, तो ये भी हिंदी में डब हो चुकी है ऑफिशियली, और ये भी आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में जो कि काफी कमाल की थी। पहला पार्ट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, द बॉय सेकंड, तो इसका पहला पोस्टर लॉन्च हो चुका है, ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, तो नहीं देखा अगर आपने तो जाके देखो। देन उसके बाद द किलिंग हाउस ऑफिशियली हिंदी में डब हो चुकी है, तो अगर आप इंटरनेट पर जाओगे डाउनलोड मारोगे तो आपको मिल जाएगी इजिली।
तो काफी सही है मूवी, पर थोड़ा लो क्वालिटी की मूवी है। देन उसी के साथ एक अपडेट, नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की शूटिंग इसी ईयर से स्टार्ट हो जाएगी और मिली बॉबे ब्राउन ने ये चीज कंफर्म करी अपनी स्टोरी पर, तो आप देख ही रहे होंगे। देन उसी के साथ टर्मिनेटर फाइनली आपको ब्लू रे में मिल जाएगी फरवरी के महीने में, अगर जो ऑफिशियली ब्लू रे के कलेक्शन करते हैं। देन उसी के साथ फोर्ड वर्सेस फरारी भी आपको फरवरी के महीने में मिल जाएगी देखने को ब्लू रे में, जो कि 5.1 ऑडियो क्वालिटी में होगी। तो ये ऑफिशियली अपडेट है जो कि भी हाल ही में पता चला है। देन उसी के साथ मार्च में मिल जाएगी आपको 40 एंजल, जी हाँ, जो कि रिसेंट में अभी रिलीज हुई थी और ये भी आपको मार्च में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो गाइस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक कोई भी अपडेट नहीं पता है तो किसी के बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूडिंग करूँ। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।